नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन झा आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्रिकेट ब्लॉग कैसे बनाएंगे दोस्तों, और क्रिकेट ब्लॉग बनाने के लिए आपके पास कैसे कैसे आइडियाज होने चाहिए। सभी आइडियाज का मैं आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। क्रिकेट ब्लॉग बेसिकली वो होता है जिसमें आप क्रिकेट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो क्रिकेट ब्लॉग, अब आप सोचिएगा कि क्रिकेट ब्लॉग, आप जाकर के गूगल के कीवर्ड रिसर्च में आप चेक करोगे कि क्रिकेट ब्लॉग का क्या कीवर्ड रैंकिंग क्या है, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कीवर्ड रैंकिंग नहीं है, उसमें सर्च बहुत ही कम आता है। और आज अभी कोरोना को लेकर के ही तो बहुत ही कम सर्च आ रहा है। लेकिन आपको इस हमेशा ब्लॉगिंग में दो स्टेप आगे रखे सोचना पड़ता है। आने वाला टाइम किसका है, वर्ल्ड कप का है। आपके आने वाला टाइम किसका है, आईपीएल का है। दोनों एकदम आने वाले टाइम में दोनों लगातार होने वाले हैं। और इतना जो क्रिकेट का पाउस जो हुआ है ना, उसका आपको बेनिफिट उठाना है कि ये जो 3-4 महीने जो क्रिकेट बंद है, इसके बाद अगर आज एक जिम्बाब्वे का मैच करा दिया जाए ना, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन लोग गूगल पे सर्च करेंगे। क्योंकि देखिए, सबके पास यूट्यूब वीडियो का एक्सेस नहीं है, तो क्रिकेट इन्फॉर्मेशन वही चेक करते हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है। वो न्यूज स्कोर जो भी चीज़ अगर आप डालेंगे वो आपका लोग देखेगा। अब आपको बताते हैं क्रिकेट ब्लॉग आपको क्या क्या चीज़ से कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। क्रिकेट ब्लॉग आप एक न्यूज़ वेबसाइट भी बना सकते हैं जिसमें आप क्रिकेट का जो कंट्रोवर्शियल स्टोरी होता है वो सारा कुछ पे आप अपना लेख तैयार कर सकते हैं। अब कंट्रोवर्शियल स्टोरी आपको मिलेगा कहाँ से, डे टू डे हर क्रिकेटर जो होता है कुछ ना कुछ करता रहता है। जैसे आजकल वीडियो चैट चल रहा है क्रिकेटर लोग के बीच में, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट वो लोग देते हैं। बस आपको बस उसका एक फ़ोटो उठाना है, वीडियो चलते हुए मैं फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे, और फोटो कैप्चर करके आप उसी का ब्लॉग लिख देंगे, उसमें उस फोटो को यूज कर देंगे, और उसके बारे में उसने क्या बोला, कैसे बोला, उसका बैकग्राउंड क्या था, उस मैच में क्या हुआ था, सारा कुछ आप उसका बना करके आप डाल देंगे। एक रफ आइडिया मैं दे रहा हूँ आपको। जैसे अगर आप न्यूज वाला क्रिकेट ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। एक आप रिकॉर्ड वाला क्रिकेट ब्लॉग बनाना चाहते हैं, हर मैच का स्कोर आप वहाँ पे डालना चाहते हैं, हर मैच का स्टोरी आप डालना चाहते हैं, क्रिकेट इन्फो डाउनलोड कर लीजिए, हर मैच का पूरा समरी वहाँ पे रहता है अवेलेबल। मैच जैसे ही ख़त्म हो पूरा समरी उठाइए, आराम से उसको स्टोरी बनाइए और उसको वहाँ से लिख करके डाल दीजिए ब्लॉग पोस्ट में। अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि तीसरा टाइप का क्या होता है। तीसरा टाइप का होता है क्रिकेटर के पर्टिकुलरली इवेंट को लेकर के, जैसे आईपीएल हो रहा है तो आईपीएल का जो सीजन है आप उसको लेकर के पूरा ब्लॉग उस पर केंद्रित करें। इससे क्या होगा ना कि आपका टारगेटेड ऑडियंस आपको मिलेगा, और आईपीएल का आपको पता है कि कितना भाई कितना ज़्यादा ट्रैफिक आता है। और दोस्तों क्रिकेट ब्लॉग अगर स्टार्ट करना दोस्तों, हिंदी में कभी मत स्टार्ट करना, इंग्लिश में ही स्टार्ट करना। हिंदी में अगर स्टार्ट करते हो आपको बहुत बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका क्रिकेट का जो ट्रैफिक है, अगर आप इंडिया में अगर आप लेते हो तो भी आदमी इंग्लिश में ही सर्च करता है। अब क्रिकेट को कोई क्रिकेट ही बोलेगा, आप इंग्लिश यूज कर सकते हो लेकिन हिंदी में तो बिल्कुल मत कीजिएगा क्रिकेट ब्लॉगिंग। अगर आप हिंदी में क्रिकेट ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको न्यूज़ टाइप का जो अगर क्रिकेट ब्लॉगिंग है वो आप हिंदी में कर सकते हैं, क्योंकि जो आप जो स्टोरी बनाइएगा वो हिंदी में ही पढ़ेगा लोग, और इंग्लिश में भी पढ़ेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, हिंदी में बना दीजिए और ट्रांसलेटर प्लगइन का यूज करके आप उसको अपने यूजर को ये ऑप्शन दीजिए कि वो इस पेज को ट्रांसलेट करके किसी भी भाषा में पढ़ सके। तो न्यूज़ क्रिकेट ब्लॉग के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अब आपको डोमेन कौन सा लेना है क्रिकेट ब्लॉग के लिए, क्रिकेट ब्लॉग के लिए आपको डोमेन हमेशा .com प्रेफर्ड कीजिए। अगर आप हिंदी में ब्लॉग लिखना चाहते हैं, अगर स्टोरी वाला न्यूज़ वाला क्रिकेट ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो .in भी आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि .com ही लें। .com में आपका जो भी ट्रैफिक है, बाहर का भी ट्रैफिक है, अगर युवराज सिंह ने कुछ कंट्रोवर्शियल किया है तो विदेश के लोग भी जानना चाहेंगे कि क्या कंट्रोवर्शियल चीज़ था। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा प्लगइन जो ट्रांसलेट करता है, और बहुत इजी प्लगइन है, वर्डप्रेस में मिल जाएगा और ब्लॉगर में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। और आपके पास गूगल में भी ऑप्शन होता है, ब्लॉग में भी ऑप्शन होता है कि आप ट्रांसलेट पेज में किस किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का ऑप्शन डाल सकते हैं। थीम में भी आजकल ऑप्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉगिंग, क्रिकेट ब्लॉगिंग का सोशल मीडिया पेज आपको क्रिकेट ब्लॉग क्रिएट करने से 15 दिन पहले क्रिएट करना है। मतलब कि आप साथ साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि सोशल मीडिया प्रमोशन इसका ज़्यादा बेटर हो। सोशल मीडिया प्रमोशन करने के लिए आपका अपना ब्लॉग का कंटेंट ही आपको शेयर करने का ज़रूरत नहीं है, दूसरे का भी ब्लॉग का कंटेंट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ दिन शेयर कीजिए। जब आपका ऑडियंस जमा हो जाए उसके बाद आप अपना जो ब्लॉग है वो भी आप वहाँ पर पोस्ट करना चालू कीजिए।
एफिलिएट मार्केटिंग इसमें कैसे यूज होगा, एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप क्रिकेट का रिकॉर्ड वाला ब्लॉग बनाना चाहते हैं, क्रिकेट इन्फो का पूरा मैच समरी स्कोर वगैरह सारा कुछ डालना चाहते हैं, वहाँ पे अगर आप क्रिकेट का बल्ला बेचते हैं, ग्लव्स बेचते हैं, अगर कोई क्रिकेट का गेम है आप वो वहाँ पे प्रमोट करते हैं तो आपको बेनिफिट हो सकता है। या फिर आप अगर वहाँ पर टी शर्ट का भी एफिलिएट मार्केटिंग अगर करते हैं, मेंस वेयर का करते हैं, तो वहाँ पर सेल होने का चांस ज़्यादा होता है। स्पोर्ट्स वेयर का भी अगर आप वहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग में यूज करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो इससे आपको वहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। क्रिकेट ब्लॉगिंग बनाने में कितना खर्चा आएगा, क्रिकेट ब्लॉगिंग बनाने में आपको सिर्फ डोमेन नेम लेना होगा, डोमेन नेम लेने में 200 से 300 रुपए का खर्चा होगा। होस्ट आप ब्लॉगर पे कीजिएगा, वर्डप्रेस पे करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ब्लॉगर से आप एडसेंस से अप्रूवल कराइए, उसके बाद आपको पैसा अर्निंग के लिए घुस जाना है वर्डप्रेस में। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ ब्लॉगर पे काम करना है, ब्लॉगर पे गूगल एडसेंस जल्दी मिलता है। इस पर कितना पोस्ट आपको डेली पोस्ट करना है, क्रिकेट ब्लॉग में आपको पोस्ट रेगुलरली 2 से 3 पोस्ट करना होगा, स्टोरी का आपको कोई कंटेंट का कमी नहीं होने वाला है। क्रिकेट इन्फो में पुराना से पुराना कंट्रोवर्सी के बारे में नया से लिख दीजिए, लोग पढ़ेंगे। हर 18 साल का लड़का जो नया होता है ना, वो पूरा यूट्यूब पिछला जो गूगल है उसको सर्च करता है, सबको। जवान होने का आजकल पहला नियम यही है कि उसको सारा इन्फॉर्मेशन गूगल से चाहिए, तभी वो अपने आप को यंग फील कर सकता है। इसीलिए आजकल जो भी लड़का जिसको थोड़ा भी इंटरनेट का नॉलेज होता है ना और क्रिकेट का कीड़ा होता है जिसके अंदर, पहले गूगल से सारा डेटा अपने दिमाग में भरता है। 14 से लेकर 18 तक का लड़का वही करता है, तो आपको उसको कंसंट्रेट करके उसी पे प्रोडक्ट लिखना है, उसी पे प्रोडक्ट बनाना है, ऑडियंस को समझना है, आप ब्लॉगिंग में सक्सेस कर जाओगे। क्रिकेट ब्लॉग के लिए ये मेरा वीडियो था दोस्तों, अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और मेंटर कोर्स के लिए मैंने नीचे कॉन्टैक्ट में अपना नंबर दिया हुआ है, उसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। और ब्लॉगिंग रिलेटेड जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों तक लेकर के आता हूँ, इसलिए अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि नया नया वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट किया है और आप सभी लोगों के सामने ब्लॉगिंग का जितना मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है उसका नॉलेज लेकर के आता हूँ दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू।